तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवी बुलबुलैया 3 के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बुलबुलैया 3 जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट टीजर रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों, मैंने पर्सनली नहीं सोचा था कि बुलबुलैया 2 के बाद इतने जल्दी हमें इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, बुलबुलैया 2 जिस तरह से मैसिव हिट रही थी और पोस्ट पैंडेमिक जिस तरह से उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, उसके बाद ऑब्वियस था कि उसका थर्ड पार्ट तो आएगा ही, लेकिन इतनी जल्दी आएगा वो किसी ने भी नहीं सोचा था। और उस मूवी की इतनी जल्दी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और दोस्तों, मेकर की ओर से बुलबुलैया 3 की अनाउंसमेंट करते हुए एक छोटा सा टीजर भी रिलीज किया गया है जो कि सिर्फ 1 मिनट का है। और दोस्तों, सच कहूं तो टीजर मुझे पसंद आया। और दोस्तों, फिर से हवेली के दरवाजे खुलने वाले हैं और नए राज हमारे सामने आने वाले हैं। और भाई साहब, अमित के तुम्हारे सॉन्ग के लिए तो मैं हर बार ही एक्साइटेड रहता हूं। और दोस्तों, अगर बात करें कार्तिक आर्यन की, तो बुलबुलैया 2 की मैसिव सक्सेस के लिए सबसे बड़ी वजह कार्तिक आर्यन थे, क्योंकि इस टीजर में भी कमाल के लग रहे थे। स्पेशली जो लास्ट वाली हंसी थी वो मुझे बहुत ही पसंद आई। और जो लास्ट में कार्तिक आर्यन की आंखों का कलर जो चेंज होता है, वो भी हमें कुछ नई हिंट दे रहा है, यानी कि ये मूवी बुलबुलैया 3 और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो दोस्तों, ये मूवी रिलीज होने वाली है अगले साल दिवाली के मौके पे, यानी कि मेकर्स ने बहुत ही अच्छा टाइम सिलेक्ट किया है इस मूवी के रिलीज के लिए। अगर इस मूवी के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की तरह इसकी कॉमेडी और स्टोरी अच्छी रही, तो ये मूवी भी मैसिव हिट हो सकती है। अब दोस्तों, अगर आपने बुलबुलैया 3 का अनाउंसमेंट टीजर देखा तो आपको कैसा लगा और क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, इन सारी बातों के साथ इस वीडियो को एंड करते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।